वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्नो ब्लॉग्स। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आप पर आपको कहाँ पता है, थोड़ा मैं लाइट ज़रा कर लेता हूँ सही थोड़ी सी अपने ऊपर। तो जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ आपसे। तो बात कुछ ऐसी है गाइस कि मैं अपनी स्कूटर की सर्विस करवाने गया था अपने नियर बाई सर्विस स्टेशन पर ही। तो वहाँ का मेरा कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ का। सर्विस वगैरह तो उन्होंने थोड़ा सही कर दिया, पर बाकी काम जो मैंने उनसे कहा था, जो मेरी प्रॉब्लम थी वो उनसे सॉल्व नहीं हुई, और उसके चक्कर में उन्होंने मेरा नुकसान भी कर दिया, जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा। तो ये चलो, ये बात तो मैं आपकी बात अभी बता दूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को प्रेस कर दो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो मुझे। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो जैसे कि मैं यहाँ से गया था सर्विस सेंटर पे सर्विस करवाने। तो देखिए, बात कुछ ऐसी रही कि जैसे कि मैं सर्विस सेंटर पर गया तो उन्होंने जॉब कार्ड वगैरह बना दिया, वो तो नॉर्मली बनाते ही हैं जैसे कि आपको पता ही है। तो सर्विस सेंटर का नाम तो मैं खैर नहीं बताऊंगा जहाँ पे मैंने सर्विस करवाई है। तो कहानी कुछ इस तरह की थी कि सेल्फ की प्रॉब्लम जैसे ही मेरी आ रही थी, सेल्फ स्टार्ट होनी बंद हो चुकी है, सेल्फ नहीं का वर्क कर रहा। और आपको तो पता है जैसे कि थोड़ा बहुत मैंने मॉडिफिकेशंस कर रखा, फोग लाइट लगा रखी थी और हज़ार लाइट वाला सिस्टम कर रखा था जिसमें चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं। तो जॉब कार्ड बन गया वहाँ पे कि सेल्फ की प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने बत लिखवा दिया, उन्होंने लिख लिया। तो अब हम थोड़ा जैसे कि वो कहते हैं कि अलग बैठ जाइए, तो हम अलग बैठ गए जाके। तो मैं जगह जैसे कि बताया था, तो उन्होंने खैर आगे का फेयरिंग खोल लिया, फ्रंट फेयरिंग खोल लिया लाइट वाला, और नीचे का कवर भी खोल लिया जहाँ बैटरी वगैरह हॉर्न वगैरह होते हैं, खोल लिया। तो गाइस, जैसे कि मैंने मिरर्स लगाए थे, आपने वीडियो देखी होगी मिरर्स की भी, अगर नहीं देखी तो मैं आई लिंक में डाल दूंगा। क्योंकि मेरे पुराने मिरर्स बेकार हो गए थे तो मैंने नए मिरर्स लगाए थे। तो गाइस, पहले तो मैंने से जुगाड़ कर रखा था, एक पुश पुल स्विच आता है उसको पत्ती में लगा के पेज से लगा रखा था, तो मैंने अब हटा दिया था। तो हुआ क्या, फिर मैंने स्विच लाया था, मैं वो ऑन वाले बटन होते हैं वो मैं ले आया था दो। तो मैंने एक लगा रखा था राइट मिरर पर, एक लगा रखा था लेफ्ट मिरर पर। एक का तो मेरा हज़ार लाइट का कनेक्शन था और एक सा था मेरा फोग लाइट का कनेक्शन। तो बाद में हुआ क्या, अब उनको जब उन्होंने फ्रंट फेयरिंग खोला तो उनको पहले क्या करना चाहिए था कि पहले उनको स्विच बटन खोलने थे, फिर मिरर खोलने थे। चलो मिरर तो खोल ही लेते हैं, पहले उनको बटन खोलने थे फिर बाकी फेयरिंग खोलना था। पर गाइज, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट बिरली मिरर खोल दिए और फेयरिंग खोला। तो जब उनके समझ में नहीं आया कि ये क्या क्या सिस्टम है, तो उन्होंने मेरे बटन पे से कनेक्शन जो मैंने किया हुआ था मॉडिफिकेशन का, मतलब हज़ार लाइट का और फोग लाइट का, दोनों तार काट दिए। तो मैं अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे उन्होंने तार काट रखे हैं। हाँ, तो गाइस, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि मैं अभी आपको बटन दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये देखिए बटन, ये बटन है जैसे कि आपको पता है, ये देखिए ऑन ऑफ का बटन होता है ये। और ये देखिए गाइस, इसके वायर काफ़ी लंबा आता है, और ये देखिए उन्होंने ये वायर थोड़ा पीटीआर ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, उन्होंने ये वायर इतना से छोड़ा, उन्होंने ये वायर काट दिया। ऐसे ही दूसरे स्विच का है, दूसरे स्विच का भी उन्होंने वायर काट दिया, क्योंकि उनको ये सब समझ में नहीं आया कि क्या हुआ हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, क्योंकि इनको इतना पता नहीं होता। बाकी जब आज मैंने इस बार मैंने पहली बार इस सर्विस सेंटर पर करवाई थी तो इन्होंने ऐसा कर दिया। आज से पहले जिस सर्विस सेंटर में करवाता था उसको जो थोड़ी अभी वो इतना चल नहीं रहा था, अभी खुला हुआ नहीं था मतलब, तो उस पर नहीं करवा पाया। उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने मतलब कि बहुत टाइम से किया हुआ है, उन्होंने आज तक मेरे एक भी वायर नहीं कटा। तो उन्होंने जैसे कि हमें बुलाया सेल्फ की प्रॉब्लम के लिए कि उन्होंने कि ये कह बुलाया कि ये सेल्फ की प्रॉब्लम तो आज सही नहीं हो पाएगी, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, कल सुबह मिलेगा। तो हमने मना कर दिया कि हम नहीं छोड़ने वाले हैं इसको, आप बस नॉर्मल सर्विस कर दीजिए और हम
सेल्फ हेल्प अपना बाद में सही करवा लेंगे। तो उन्होंने कहा इस चीज़, जैसे कि वायर काट दिया मैंने आपको दिखाया, तो उन्होंने इस चीज़ को देख के ये कहा कि ये क्या तामझाम कर रखा है। यस, उन्होंने यही कहा था, ये तामझाम। मैंने कहा कोई तामझाम नहीं है, बस आप इसको पैक कर दो, जो आपने वायर जो कट कर दी थी, तो उन्होंने कहा इस पर टेप लगाओ और इसको पैक। तो उन्होंने पैक कर दिया, तो उनके चक्कर में मुझे अपने सारे जितने भी मैंने मॉडिफिकेशन किया हुआ था मुझे सब हटाना पड़ा। तो इस बात की तो मुझे खैर कोई इतनी टेंशन नहीं है, मैं दोबारा कर दूंगा और आपके लिए की वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इन दोनों की वीडियो चाहिए, हज़ार लाइट्स पर और फोग लाइट्स पर, तो कमेंट में छोड़ दे, कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो बाकी उन्होंने सर्विस स्टार्ट की, अपना इंजन ऑयल डाला, वो आपको फोटो में दिखा दूंगा मैं कौन सा इंजन ऑयल था। उन्होंने अपना इंजन ऑयल डाला हीरो का ही, 10W30, 260 रुपीज़ का वो इंजन ऑयल था, और एयर फिल्टर क्लीन कर दिया उन्होंने। और एक ऑयल फिल्टर होता है सेकेंडरी, एयर फिल्टर जो होता है जो फोम वाला होता है, उसको भी क्लीन कर दिया। गाइस हम अब बात आती है, एक प्रॉब्लम और थी मेरे कि वो थी ब्रेक शू, मेरा पिछले रियर टायर वाला ब्रेक शू डलवाना था। तो गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने तीन जने लग गए, एक जो पीछे का वो पहिए का नट होता है 24 नंबर का, उनसे वो नट नहीं खुला। जब उनसे नहीं खुला तो उन्होंने ऐसे थोड़े बहुत ब्रेक टाइट करके कह दिया, जाओ ब्रेक सही हो गए हैं, अब सही काम करने लगेंगे। फिर आके चेक करा तो गाइस बिल्कुल ब्रेक नहीं लग रहे, जो पहले लग रहा था वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। फिर थोड़े बहुत मैंने ये अपने साथ अपने हिसाब से एडजस्ट करे, क्योंकि कॉम्बी ब्रेक वाला सिस्टम है, तो उससे थोड़ा अगले पहिए का, अगले टायर वाले का कनेक्शन हुआ हुआ, तो थोड़ा रुक रही है। मतलब इमरजेंसी रुकना चाहे तो ऐसा नहीं रुक सकती, तो वो तो मैं ब्रेक शूज अपना चेंज करवा लूँगा। तो गाइस बस यही कहानी थी, और चलिए तो फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। ये मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा, तो आज के बाद तो मैं सर्विस सेंटर पर करवाऊँगा ही। तो चलिए तो मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइट डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक वीडियो को बड़े से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की नई सी वीडियो में। तो अगले वीडियो का तो फिर आपको एक बता देता हूँ थोड़ा सा, कि मैं एक प्रोडक्ट डालने वाला हूँ अपने स्कूटर में जो। चलिए तो गाइस मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, बाय बाय।